तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है एक पिक्चर को, एक इमेज को आपने नंपाई एरे में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने इसकी नंपाई एरे बना दी है। वो किस तरह बनाई है मैं सारा कुछ आपको अब समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है जिसमें मेरी नोटबुक भी बनी हुई है और मैंने इसमें पिक्चर्स भी डाली हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो है खोल के दिखाता हूँ। एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, इस पे भी हम फोकस करते हैं। इसको अगर मैं जूम करूं तो ये आपके पास जूम आ गया। तो मैं चाहता हूं कि इसके मुझे पिक्सल्स, इस इमेज को मैं पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा और यहां पर इसका नाम लिखूंगा। सबसे पहले क्या है, इसका नाम है चेकर बोर्ड PNG। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले अपनी ओपन CV को इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट CV2, ठीक है, इसका ये कोड होता है और इस तरह इम्पोर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं रन कर लूँगा। सबसे पहले ये देखें जी, नंबरिंग चेंज होगी, रन हो गया। तो उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसको मैं कहूँगा कि आपने क्या यूज़ करना है, CV2 का IAmRead फंक्शन जो है यूज़ करना है। और उसके अंदर आर्गूमेंट्स दो होंगी, तो आपने पहले जो आर्गुमेंट है उसको आपने एज ए स्ट्रिंग क्या देना है, उसका नाम देना है आपकी पिक्चर का। तो जिस तरह ही मेरे पास ये पिक्चर है चेकर बोर्ड PNG, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से इसका नाम, और यहाँ पर आगे इसका नाम मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने कोमा लगा कर एक मोड देना है। मोड क्या होता है, मोड आपने बताना है कि आपकी जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट है या कलरफुल है। ठीक है, तो हमारी अभी पिक्चर जो है आप देख सकते हैं जिस तरह ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, या इसमें ग्रे होगा थोड़ा सा, तो ग्रे स्केल इमेज है हमारे पास, इसलिए हमने 0 लिखा है। अगर हमारे पास कलर होती तो हमने यहाँ पर 1 लिखना था, लेकिन अभी हम 0 लिखेंगे। तो अभी मैं इसको जो है रन करा देता हूँ, शिफ्ट एंटर और ये रन हो गया। तो उसके बाद मैंने इसी, ये जो मैंने अब बनाया है इसकी, ये अब अरे जो बन गई है, ठीक है, NP अरे ऑफ इमेज, तो मैंने इस नंपे अरे को प्रिंट करवाता हूँ। तो इसको जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो आपके सामने ये प्रिंट आके होगी, क्योंकि ये जो इमेज है ये वाली, इसमें बहुत सारे पिक्सल्स होंगे। ठीक है, मे बी ये थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल पे वो कंसिस्ट करती हो, तो ऐसा वो प्रैक्टिकल नहीं है कि यहाँ पर वो इतनी सारी जो रोज़ हैं और कॉलम्स आपको दिखाएं। तो उन्होंने ये डॉट 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 का यूज़ किया। अब इसी को मैंने आपको समझाने के लिए कि ये होता भी असल में या ऐसे ही बस ये डॉट 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 लगा देते हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने बहुत छोटी इसी को क्रॉप करके, बिल्कुल क्रॉप करके छोटी सी तस्वीर बना ली है, और वो इसका हिस्सा ये है जिस तरह मैं आपको यहाँ पर ये देखें, दिख भी नहीं रहा आपको। ठीक है, तो ये वो इसका हिस्सा मैंने निकाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं आपको इसके पिक्सल्स आपको बताऊँगा। उसमें डॉट 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 आपको नहीं बता वो दिखेंगे, क्योंकि वो एक ही स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे आसानी से उसके पिक्सल्स जो भी होंगे। तो इसका नाम मैंने रखा है जी स्मॉल पिक्सल्स .png। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से ये कर दूँ और इसको जो है कॉपी कर दूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँ, जो तो मैंने पहले किया हुआ था लेकिन आपको समझाने के लिए तो मैंने दोबारा कर दी। तो ये आपने किया और इसको भी मैं आप प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आपने फ़र्क देखना कि डॉट 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 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखें जी ये बहुत छोटी तस्वीर है। तो बस ये रेंज इसकी भी ज़ाहिर है 0 से 255 तक होगी ग्रे स्केल इमेज की, तो वो उसके दरमियान में ये सारे आपके जो वैल्यूज़ हैं ये आ रही हैं। तो इस तरह आप किसी भी इमेज को जो है नंपाई एरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगली वीडियोस में हम देखेंगे इसी नंपाई एरे को आप एक पिक्चर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ओपन CV के ज़रिए ही हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।